रोजा मार्ग स्थित अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर वरुण गुप्ता के भाई स्वर्गीय अभिषेक गुप्ता के जन्मदिन पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अधिवक्ता नरेंद्र गुप्ता व संयोजन डॉक्टर श्री शर्मा कर रहे हैं। शिविर में 91 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर में सबसे ज्यादा मरीज बीपी व शुगर से ग्रस्त लोग पहुंचे। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ वरुण गुप्ता, महिला चिकित्सक सलोनी व डॉक्टर सूरज ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर वरुण गुप्ता ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते तनाव भरी जिंदगी जीते हैं। तनाव होने से बीपी, शुगर व हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। पर्यावरण व खान पान भी दूषित होने से, जंक फूड का अधिक सेवन करने से ज्यादातर हृदय से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। हमें जंक फूड से परहेज व खान पान पर ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इस मौके पंकज, मनोज, जतिन, ममता, सचिन आदि मौजूद थे। सर, आज कैंप लगाया है, किस तरह के पेशेंट के चेक किए हैं? इसमें हार्ट से संबंधित सभी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक के मरीज हैं, हार्ट फेलियर वाले मरीज हैं, तो इन सभी की जांच की जा रही है। साथ में जो जच्चा बच्चा रोग से संबंधित जो भी मरीज हैं उनका भी जाँच की जा रही है। ओकेजन क्या था सर? आज जैसे कि अस्पताल का आपको पता है नाम है अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल, ये मेरे स्वर्गीय भाई के याद में बनाया गया था। आज उनका जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष्य में ही हमने निःशुल्क शिविर। किस तरह के पेशेंट आए आज? आज वही जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जिनका बीपी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ शुगर के मरीज हैं, कुछ ऐसे मरीज हैं जो पहले हार्ट अटैक से ग्रस्त हो चुके हैं, ऐसे मरीज हैं जिनमें लक्षण लग रहे हैं आगे उनमें अटैक की समस्याएं आ सकती हैं। ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट पहुंचे सर? जैसे ऑल ओवर जितने अभी तक ओपीडी की चेक किया आपने, उनमें ज़्यादातर पेशेंट किस मरीज से, रोग से पीड़ित? बीपी, शुगर और हार्ट की नसों की रुकावट और हार्ट की पंपिंग कमजोर होना, इस तरह के मरीज हैं। ये चार कैटेगरी के मरीज हैं, प्लस जो मैडम के पेशेंट्स हैं वो नीचे बात कर लेंगे। अपने लेवल पे सर लोग क्या करें इन चीज़ों को रोकने के लिए? आजकल एक तो खान पान का कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दूषित है। पर्यावरण के साथ साथ जो हमारा खाना पीना है वो सब भी दूषित हो गया है। फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और लोग उसको ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, खासकर हृदय के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। सारी बीमारियाँ इसी कारण से बढ़ रही हैं। धूम्रपान है, नशाखोरी है किसी भी तरीके से, धूम्रपान हो गया, तम्बाकू है, शराब है, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। नियमित व्यायाम करें, सैर करें जितना हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी और अपनी जीवन शैली में उसको